हुआ तो बहुत बुरा भाई, दोनों टाइम पास कर रहे थे अपना अपना। अरे भाई दुनिया में सबसे गरीब आदमी वो होता है जिसका बुढ़ापे में हम सफर गुजर जाए। सही बात है भाई, आज हमारे ताऊ जी भी वो गरीब आदमी हो गए। बच्चों को सक्सेस करने के चक्कर में पूरी जवानी गुजार दी, बच्चे अलग अलग सेट हो गए, ये दोनों अपना यहाँ टाइम पास कर रहे थे, और भगवान ने देखो समय का भी बंटवारा कर दिया। हेलो, अरे भाई आधे घंटे बाद में बात करता हूँ, अभी अंतिम संस्कार में आया हूँ, ठीक है ना? अभी इतना टाइम क्यों लगा रहे हो, बॉडी अकड़ जाएगी। भाई कितना टाइम लगेगा दाग में? अब क्या बताएं अंकल जी, ताऊ जी के बच्चों का इंतजार कर रहे हैं, वो आ जाते तो माता राम के अंतिम दर्शन कर लेते, उनके हाथ भी लग जाते। जिंदा के पास में नहीं आए कम से कम अंतिम दर्शन तो करने आते, आ रहे हैं वो थोड़ी देर में आ रहे। सही बात है भाई, आ जाए तो अंतिम दर्शन कर ले, मैं चलता हूँ, आ जाए तो हमें फोन कर देना। हाँ ठीक है ठीक है अंकल। लो जी आ गए, आ गए आ गए। मम्मी अब रोने से क्या फायदा बेटा, जिंदा तो वो होने से रही, जिंदा थी तब वो भी खूब रोई, मेरे बेटे को बुला दो, मेरे बेटे को बुला दो, उससे मिलना है, एक बार उसको देख लेती। पर तेरे को भी टाइम नहीं मिला, और ऐसे करते करते वो तो गुजर गई। पापा काम में इतना उलझ गया था, छुट्टी नहीं मिली, बच्चों को नहीं लाए, वो भी दादी माँ के दर्शन कर लेते, मैं भी उनको देख लेता। पापा बच्चों की एग्जाम चल रही है इसलिए बच्चों को नहीं ला पाया, उनकी भी पढ़ाई खराब होती, उनको भी तो आगे सक्सेस करना है पापा। सही बात है बेटा, एक बाप की तो उम्र गुजर जाती है बच्चों को सक्सेस करने के लिए। भगवान से यही दुआ है कि तेरे बच्चे तेरे से भी ज्यादा सक्सेस हो। पापा अब क्यों देरी कर रहे हो, ये काम निपटाओ जल्दी, मेरे को सुबह निकलना है, मेरी मीटिंग है। सही बात है बेटा, मीटिंग में नहीं जाओगे तो तुम्हारा लाखों का नुकसान हो जाएगा, पर दिक्कत यह है कि वो तेरा बड़ा भाई आ जाता, तेरी माँ की इच्छा थी कि दोनों बेटों के हाथ लग जाए मेरे, बस उसी का इंतजार है, वो नहीं आया। पापा बड़े भैया से बात हो गई, वो नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि पापा इतने तो आप भी समझदार हो, आने जाने का कितना खर्चा है, कितना टाइम खराब होता है, इसलिए भैया ने मेरे को बोला मम्मी की टाइम तू चला जा, पापा की टाइम में मैं चला जाऊंगा, इसलिए मम्मी के टाइम पे मैं आ गया। चलो अब जल्दी से ये निपटा लेते हैं। उसके जाने से ज्यादा तेरे आने का गम है, तेरी मीटिंग खराब हो रही है, बड़े भाई का लाखों का नुकसान हो रहा है, बच्चों की पढ़ाई खराब हो रही है, भाई बच्चों को सक्सेस भी तो करना है। पर एक बात याद रखना, बच्चों को इतना सक्सेस भी मत करना कि वो अपने माँ बाप के अंतिम संस्कार पे आए तो एहसान जताए तुम्हारी तरह। और एक काम और करना बेटा, जब यहाँ से अंतिम संस्कार करके वापस तू बड़े भाई के पास में जाए ना, तो तेरे भाई को बोल देना कि पिता के अंतिम संस्कार पे जाने की जरूरत नहीं है, मैं उनका भी अंतिम संस्कार करके आ गया। आज तक समझ में नहीं आया बेटा मेरे कि एक बाप अपने बेटों को इसीलिए सक्सेस करता है कि वो उसको छोड़ के चले जाएं, वो अपने बच्चों को सक्सेस में लग जाएं। माँ बाप बिलखते रहें कि बेटा आएगा बेटा आएगा, बेटा आए तो एहसान जताए। एक सवाल आपसे, क्या यही कामयाबी है? हजारों मुश्किलें सहकर माता पिता अपने बच्चों को कामयाब करते हैं, एक दिन वही कामयाब बच्चे अपने माता पिता को बुढ़ापे में तन्हा छोड़कर चले जाते हैं, क्या ये सही है?